अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नकापी पिक्स। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली स्किन केयर कलेक्शन पर है कि कौन सी अफोर्डेबल चीज़ें हैं, कौन सी कलेक्शन होनी चाहिए स्पेशली विंटर्स के लिए, जो कि हम यूज़ करें, ब्राइड्स यूज़ करना चाहती हैं वो यूज़ कर लें, और जितनी भी हमारी टीनेजर गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी स्किन केयर कलेक्शन शेयर कर लूँ, जिसमें मॉइस्चराइजर्स हैं, सन ब्लॉक्स हैं, सरम्स, क्लिनजर्स, लोशंस और फेस पैक्स वगैरह, जो चीज़ें भी अवेलेबल हैं लोकली मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी और अफोर्डेबल भी हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ है वो है जॉनसन का लोशन। ये पैराबन फ्री लोशन है, बहुत ही अच्छा लोशन है बेबी स्किन के लिए, टीनेजर गर्ल्स के लिए ये नहायत ही मुफीद लोशन है। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी बोतल 500 ml की बोतल जो है वो हमें तकरीबन 600 में मिल जाती है, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसके अलावा अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं लोशंस तो उनकी वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप देख लें। नेक्स्टन का भी बहुत अच्छा लोशन है, ठीक है, ग्लैमरस का बहुत अच्छा लोशन है। जो भी आप बाय करना चाहते हैं आपको इजीली मिल जाएगा, मार्केट से आप वो ख़रीद सकते हैं। तो निविया के लोशंस आजकल बहुत चल रहे हैं, वैसलिन के, जो मर्ज़ी आप बाय करना चाहें। और सीरम्स भी हमारे पास मार्केट में लोकली अवेलेबल हैं, अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी डॉक्टर राशिल के सीरम्स। हाँ जी, इनके ये दो सीरम्स बहुत अच्छे हैं, एक वाइटनिंग सीरम और जो दूसरा सीरम है वो गोल्डन सीरम है, जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें गोल्ड फ्लेक्स हैं और गोल्ड फ्लेक्स हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेकेंड जी, हमारे पास टोनर भी आ जाते हैं, हिमानी के टोनर्स हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी शीत मास्क। सरम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप शीत मास्क ले लें, गार्नियर के, रवाज के, डॉक्टर राशिल के, जितने भी शीत मास्क हैं इन पर भी वीडियो बनी हुई है, मेरे चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। और वाइटनिंग सीरम है या वाइटनिंग शीट मास्क है, वो सब कुछ जो है मेरी इस वीडियो में आपको गिवन है। और ये सब शीट मास्क 100-120 की नियर अबाउट आपको मिल जाएंगे। सेकंड आ जाते हैं जी हम एवलाइन के क्लेंजिंग मिल्क पर। जी ये क्लेंजर भी है, ये लोशन भी है, इसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, सालों तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हैं कॉम्बो में तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं आपको शेयर करना चाहूँ कि आप मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहते हैं तो आप गार्नियर का बाय कर लें, 125 ml की बॉटल है, बिल्कुल हमारे हैंड जितनी ही बॉटल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, ये आपको जी 230-430 इस तरह मिल जाएगी। सेकेंड आ जाती है एवलाइन की, एवलाइन के भी बहुत अच्छे हैं, ये 1200 में मिलती है लेकिन इतना अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन गार्नियर की आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी, अफोर्डेबल भी है। अब हम टोनर्स पर आ जाते हैं। अच्छा जी, एज रोज़ वाटर को एज अ टोनर इस्तेमाल करना हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए स्पेशली रोज़ टोनर जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्लाइको स्प्रे, रोज़ ग्लाइको स्प्रे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसके अंदर जो है ऑयल एसेंस डले होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा टोनर्स है, आपकी स्किन में जितने भी एक्नी के इश्यूज हैं उनको लाइटन अप करता है, ठीक है। अब मैं आपके पास आ जाती हूँ क्लिनजिंग मिल्क पर। डबन के टिमिन क्लिनजिंग मिल्क बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा सॉफ्ट टच का भी बहुत अच्छा है क्लिनजिंग मिल्क, और इनके लोशंस भी बहुत अच्छे हैं, दोनों के लोशंस बहुत अच्छे हैं, अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं वह कर लें, 230-150 की रेंज में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं आपको अच्छा सा फेस वॉश भी करूँगी,
वाइब्रेंट के बहुत अच्छे फेस वॉश हैं। सबसे अच्छी बात इनकी है ये पैराबन फ्री है। पैराबन फ्री जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। आपको इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे। फ्लेवर्स में आ जाता है मैंगो, एप्पल, किसी भी फ्लेवर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आ जाता है टीनेजर्स के लिए निविया का फेस वॉश, बहुत अच्छा है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं सन ब्लॉक की। अच्छा, सन ब्लॉक हम ऐसा यूज़ करना चाहते हैं जो कि हमारी फेस के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो, तो डर्मासेंस का है। इसके अलावा एक लेडी है उसका भी है, उसका मैं लिंक यहाँ पर डाल दूँगी, ये मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कोई क्रीम देख रहे हैं कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हो, तो मैं आपको एवेलाइन की सजेस्ट करूँगी। 4D वाइट प्रेस्टीज क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है, डे एंड नाइट क्रीम है। इनके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं और मुझे इनके रिज़ल्ट लिटरली, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है। अब मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ देख रहे हैं मास्क, तो मैं आपको ये कहूँगी आप मैजिकली मास्क ले लें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये मास्क बहुत अच्छा है, एकदम आपकी स्किन को वाइटन अप कर देता है, इन्हेंस कर देता है आपके टेक्सचर को। तो ये प्रोडक्ट्स जो थी वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रोडक्ट्स अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर लें, अफोर्डेबल हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।